सो हेलो हिप हॉप के दीवानों, कैसे हो भाइयों आप सब। सो आज शुरू करते हैं हनी सिंह एंड बादशाह से रिलेटेड अपडेट से। तो हनी सिंह से उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा गया कि लोग ऐसा कहते हैं कि जब हनी सिंह गायब थे उस टाइम बादशाह ने उनकी जगह ले ली। हनी सिंह ने इस पे क्या कहा है वो आप लोग देख लीजिए। नहीं देखो, किसी की कोई जगह नहीं ले सकता पहली बात। किसी की कमी पूरी कोई कर सकता है लेकिन किसी की कोई जगह नहीं ले सकता। तो उस आदमी ने भी अपना हार्डवर्क किया, मेहनत करी, ऐसी बात नहीं है, कोई तुक्का नहीं चला। तो आई विश हिम ऑल द लक एज़ वेल। इसके अलावा एक और बार एमिवेन डिवाइन को मेंशन कराए। मैं बात करना चाहूँगा उन आर्टिस्ट की जो यूनिक हैं, जैसे एमिवे बंटाए और डिवाइन, ये लोग यूनिक हैं, इनका अपना स्टाइल है, इन्होंने किसी की नकल नहीं करी, अपना स्टाइल और अपना टाइम अपना दौर लेकर आए। नेक्स्ट अपडेट बादशाह से रिलेटेड, तो बादशाह का लेटेस्ट ट्रैक सनक आप सबने सुना होगा, उसमें हिंदू गॉड भोलेनाथ जी का भी नाम लिया गया है। भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है, सही उसे नचाने का शौक है, मैं नाचता फिरूं। तो काफी सारे आर्टिकल्स आउट हुए हैं जिसकी हेडलाइन है बादशाह के सनक पर होगी FIR, महाकाल के पुजारी महादेव के साथ अश्लील शब्दों के इस्तेमाल से भड़ के। तो बादशाह ने गाने में भोलेनाथ के नाम के साथ कुछ अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करा है, वो कुछ लोगों को सही नहीं लगा। इसी आर्टिकल में बताया गया है श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश गुरु ने कहा है, अश्लील शब्दों के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम लेना भी पाप है। मैं इस गाने पर आपत्ति जताता हूँ और यह चेतावनी देता हूँ कि यदि जल्द से जल्द इस गाने से भगवान भोलेनाथ का नाम नहीं हटाया गया और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई तो फिर बादशाह के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट रफ्तार से रिलेटेड, तो यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में रफ्तार की जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उस बारे में बात करी है। मैं आपको बस एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। हरी सिंह पाजी के बहुत सारे गाने लील गोलू और बादशाह ने लिखे थे, उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया ये वो, बट मैं फिर ये कहता हूँ यार रफ्तार भाई को इस कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लील गोलू जब सामने नहीं आता भाई, या तो बंदा जिसका क्रेडिट लिया वो सामने आके बोल रहा है, फिर ना सारा बैकलैश रफ्तार भाई पे जाता है पूरा। और भी काफी कुछ कहा है वो आप उनके व्लॉग में जाके देख लेना। नेक्स्ट अपडेट, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कश्मीर एक्स MC स्टैन का ट्रैक शूट हो रहा है, तो उसके सेट की कुछ पिक्चर्स हैं। गाने का नाम तो आप सबको ऑलरेडी पता होगा, हाथवर्ती, एंड ऑफ कोर्स कश्मीर भी वीडियो में होने वाले हैं, उन्होंने ये स्टोरी शेयर करी थी। नेक्स्ट अपडेट MC कोड की तरफ से, तो 28th को MC कोड का ट्रैक आ रहा है, उसका एक स्निपेट उन्होंने शेयर करा है, आप सुन लीजिए। 28 तारीख ये पहला गाना है, इट्स अबाउट टू गो डाउन, इट्स क्रेजी जूस का नाम है विश करना, इट्स अबाउट टू फकिंग गो डाउन, पांच ले गाने, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, विश करना विश करना, मेरा करना चाहती अंधिया, प्लीज करना फोटो खिंचवाती, कहती चीज करना, नशों की तरह उसको लीव करना, छोड़ दे भगा मैं प्यार के पीछे था, ऊपर पहुंचने से एक फ्लोर नीचे था, ट्रिप पे इतनी देखी जैसे फीते था कर। तो बस यार इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।